गाइस एक्सट्रीम रूल्स में एक और मैच कंफर्म हो गया आज की स्मैकडाउन। दोस्तों विनिपेग कनाडा से लाइव थी जो कि दोस्तों काफी डांस हो रही है। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लेसनर के नाम लाइक, क्योंकि वीडियो के एंड में दोस्तों हम वाइल्ड रैबिट मिस्ट्री के साथ साथ लेसनर की भी अपडेट कवर करने वाले हैं। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूंगा चैनल पर हो चुके हैं 12,93,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, सिर्फ 7,000 की नीड है जो कि मुझे लगता है आप जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों सेमी जैन सोलो के मैच के द्वारा, जो कि दोस्तों फेस के रिको शैन मॉस को। मैच के अंदर सेमी बहुत ज्यादा जब पिटने लगे वहां दोस्तों उन्होंने टैग दिया सोलो को, सोलो ने टैग लिया, अंदर गए और क्या ही पिटाई की, यूरेन आगे लगा के उन्होंने दोस्तों मैच को अपने नाम कर दिया, मॉस की पिन हो गई। आफ्टर द मैच दोस्तों ये चीज देखने को मिलती बैक स्टेज, दोस्तों जे उसो ने सेमी जेन का रास्ता रोक दिया, जहां वो सेमी जेन को ये चीज कहते हैं मैं जानता हूं तू कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, यू कैन फूल एवरीवन बट नॉट मी, देख मैं जानता हूं तू कुछ गलत करने वाला है लेकिन अगर ब्लड लाइन पर आंच भी आई तो तू बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जिस पर सेमी ने कहा तू मेरी टी शर्ट नहीं देख रहा है, मैं ऑनरेडी उस हूं, जिसके बाद वो उन्हें छोड़कर अंदर दरवाजे में चले जाते हैं। तो यहां दोस्तों हमें पता चल रहा है कि इनके बीच टेंशन जो है वो अभी बिल्ड हो ही रही है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, क्रॉस दोस्तों बैक स्टेज एक प्रोमो काटे, काफी क्रिप्टिक प्रोमो था। इसके अंदर वो ये चीज कहते हैं कि देखो एक्सट्रीम रूल्स आ रहा है, मैं बर्बाद करना चाहता हूं ड्रू मैकइंटायर को, मेरा काम है कि लोगों को मैं हॉस्पिटल पहुंचाता हूं, और ड्रू मैकइंटायर भी शायद यही करना चाहता होगा मेरे साथ, लेकिन इस ट्रैप मैच में मैं जीतूंगा और उसके बाद जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जिसके बाद वो कहते हैं टिकटॉक और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है जो ये मैच रहेगा एक तरीके से नंबर वन कंटेंडरशिप का ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो ज्यादा शॉकिंग था। इसके ठीक बाद दोस्तों हमें QR कोड देखने को मिला जिसे स्कैन करने पर जो चीजें सामने आई वो दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का ये चीज कहना कि वो वेल्स में कैश इन नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो विनिपिग है इंग्लैंड का, यानी कि दोस्तों एक तरीके से विनिपिग की भी बेइज्जती की है और इंग्लैंड के वेल्स की भी, जिस पर ड्रू मैकइंटायर आकर उन्हें चीज कहते हैं कि तूने बहुत गलत कर दिया है तो बेटा रिंग में मिल। इसके बाद दोस्तों रिंग में इनका मैच होता है। इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं यहां अल्फा अकेडमी सपोर्ट के लिए आ रखी थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रॉ के सितारे स्मैकडाउन में आएंगे। मैच की बात करूं मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर जब डोमिनेट करने लगे ना तो ये अल्फा अकेडमी वाले घुसा है, मैच DQ में खत्म हो गया। जिसके बाद ये चीज देखने को मिलती है जब ड्रू की पिटाई हो रही थी वहां आ जाते जॉनी, जॉनी भी पिटने लग जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों आते हैं केविन ओवंस होम टाउन बॉय, वहां आए तगड़ी पिटाई ओटिस की, वहां से दोस्तों चैड ओटिस एंड ऑस्टिन थ्योरी को भगना पड़ गया और नाइट का मेन इवेंट भी कंफर्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मैक्स डुप्री का सेगमेंट। आज दोस्तों मैक्स डुप्री ने अपनी टीम को छोड़ दिया है, इनके तीन सेगमेंट हुए हैं और तीनों सेगमेंट को दोस्तों मैं अभी बता देता हूं। पहले सेगमेंट में तो ये चीज देखने को मिलती है वहां दोस्तों बैक स्टेज ठीक पोज वोज कर रहे होते हैं, मैक्स डुप्री आकर पूछते हैं क्या कर रहे हो, हम तैयारी कर रहे हैं टाइटल जीतने की। जिस पर डुप्री कहते हैं क्या उसोस को हम फेस करने वाले हैं, यानी कि ट्रिपल एम फेस करने वाली, जिस पर ट्रिपल एम कहती है नहीं हम टाइटल जीतने वाले लॉन्गेस्ट पोज का, जिस पर मैक्स डुप्री को गुस्सा आ जाता है। दूसरे में दोस्तों पोज मार रहे थे, तीसरे में मैक्स डुप्री आते हैं और गाइज अटैक कर देते हैं वहां ट्रिपल एम के ऊपर और चीज कहते हैं कि तुम्हारी बकेतियां देख के मैं काफी ज्यादा परेशान हुआ और अब मैं ट्रिपल एम का पार्ट नहीं। तो मैक्स डुप्री ने ट्रिपल एम को छोड़ दिया है और फिर से दोस्तों एल ए नाइट बनने वाले हैं, काफी ह्यूज थिंग है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारी रोंडा राउजी का सेगमेंट। तो रोंडा राउजी दोस्तों बैक स्टेज ये चीज कही है कि लिव मॉर्गन जो है वो हूटर्स बार भी है और वो एक्सट्रीम जाने की बात कर रही है, लेकिन एक्सट्रीम मैं बताऊंगी कि होता क्या है। इसके बाद दोस्तों ट्रिपल एम का मैच हुआ लॉस्ट अथॉरियस के खिलाफ, मैच वॉज गुड एंड दोस्तों इसका रिजल्ट इस तरीके से आया कि इसके अंदर हिट्रो एक आसान जीत अर्जित करके निकल गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखी वो था नटालिया वर्सेस रोंडा राउजी। तो गाइस फ्रेंड्स का मैच शुरू हो चुका है, सब लोग जानते हैं रोंडा की बहुत अच्छी है फ्रेंड नटालिया, लेकिन मैच के अंदर बिल्कुल भी रिमोर्स नहीं दिखाया रोंडा ने और गाइस सबमिशन ने विक्ट्री प्राप्त की। आफ्टर द मैच वहां दोस्तों लिव मॉर्गन आ जाती है और गाइज हार्लिक्विन के जैसे दोस्तों उन्होंने हाथ में बेसबॉल ले रखा था, दोनों के मध्य तगड़ा फेस ऑफ होता है रैंप के ऊपर और फिर भिड़ंत हो जाती है। रोंडा सबसे पहले पीटती है और उसके बाद दोस्तों जो हमारी अपनी लिव मॉर्गन है वो कम बैक करती है बैट बैट मार के। उसके बाद दोस्तों रिंग साइड पर रोंडा ने उन्हें फेंक दिया, बैट बैट दोस्तों उनके हाथ से झड़ गया था जब दोस्तों उन्होंने स्लैम किया उन्हें और फिर दोस्तों उन्होंने उन्हें रिंग साइड पर फेंक दिया और फिर ये चीज देखने को मिलती है वहां से लिव मॉर्गन उठकर आती है, यहां बहुत सारे ऑफिशियल्स आ रखे थे दोनों को छुड़ा निकले। लिव मॉर्गन दोस्तों अटैक करती है रोंडा के ऊपर, ऑफिशियल्स दोस्तों छुड़ा रहे हैं, लिव नहीं मान रही, रोंडा भी पीट रही है, लिव भी पीट रही है, तगड़े वाली गुत्थमबाजी, एक तगड़ी ब्रॉल के साथ दोस्तों इनका सेगमेंट खत्म हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि लिव मॉर्गन रेडी है और रोंडा भी रेडी है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद बैकस्टेज हम लोगों ने देखा
कि गाइस जो केविन ओवंस है जॉनी एंड्रयू के साथ बातें कर रहे हैं, जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, उन्हें सेमी जेन दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों वो उनकी टी शर्ट के ऊपर फब्ती कसते हैं, सेमी का चेहरा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वाले अभी भी टीज कर रहे हैं कि सेमी एंड केविन ओवंस का रियूनियन हो सकता है और दोनों मिलकर दोस्तों ब्लड लाइन को दोस्तों छुरा घोंप सकते हैं पीठ में, खासकर सेमी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने इंपीरियम का सेगमेंट दिखाया। एम्पीरियम के लड़के दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, जहां दोस्तों जो हमारे अपने गुंथर है उन्होंने ये चीज कही है कि देखो बात इतनी सी है कि एक्सट्रीम रूल्स में हम फेस करने वाले हैं एक सिक्स मैन टैग टीम मैच में ब्रॉलिंग ब्रूट्स शेमस को, और वहां दोस्तों हमारा जो मैच होगा वो होगा डॉनी ब्रुक मैच, यानी कि दोस्तों डंडे वाला मैच होगा, जो कि दोस्तों पांच में हमने देखा भी था शेमस की तरफ से वो वाला मैच होगा। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीक यानी कि जो सीजन प्रीमियर रहेगा स्मैकडाउन का, उसमें मैं उसे फेस करने जा रहा हूं, वहां मैं शेमस को हराऊंगा। इसके बाद दोस्तों शेमस की एंट्री होगी। शेमस दोस्तों ये चीज बताया उनके साथ उनकी गैंग नहीं है आज, मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं वो होगी, हरी के ना रखा है वहां। तो दोस्तों शेमस अकेले थे, शेमस आए रिंग के अंदर, उनके हाथ में दोस्तों डंडा था और शलेली से दोस्तों उन्होंने वहां बाकी के मेंबर्स को पीट दिया। अब गंथर एंड शेमस अकेले हैं और दोस्तों दोनों के मध्य तगड़ी ब्रॉल होती है। इस ब्रॉल में दोस्तों शेमस ने जैसी पकड़ बनाई, फिर दोस्तों उनके लड़के आ गए इंपीरियम के और उन्होंने दोस्तों पिटाई कर दी है। शेमस को दोस्तों कॉर्नर पर बांधा गया, बहुत गलत तरीके से पिटा गया है। शेमस की चेस्ट लाल कर दी गई थप्पड़ मार मार के, और उसके बाद दोस्तों उन्हें पाव बॉम्ब भी चढ़ा गया। लेकिन जब जा रहे थे गंथर, फिर से शेमस कहते हैं क्या तुम इतना ही मार सकते हो, और इस पर दोस्तों जो हमारे गंथर उन्हें फिर से गुस्सा आता है, रिंग के अंदर जाते हैं, और ज्यादा पिटाई की गई है दोस्तों, और उस शलेली से दोस्तों मारा गया, उस डंडे से मारा गया है शेमस को, बहुत गलत हुआ। लेकिन दोस्तों जल्द शेमस के साथ उनकी टीम होगी, आज दोस्तों पिट गए, बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बेली की तरफ से सेगमेंट देखा है। बेली ने दोस्तों मैच दिया है ब्लैक हार्ट के खिलाफ, मैच मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बता रखा था कि होगा, इसका रिजल्ट भी वही आया। मैच के अंदर दोस्तों जो बेली है वो एक आसान जीत अर्जित कर दी, लेकिन मैच के बाद वो लैडर के अंदर फंसा कर ब्लैक हार्ट को माना चाहती थी, लेकिन उस पर बियांका की एंट्री हो गई। बियांका ही उन्होंने ब्लैक हार्ट को रेस्क्यू किया, वो केओडी माना चाहती थी वहां बेली को, लेकिन बेली भी वहां से निकल जाती है। तो इस तरीके से सेगमेंट होता है खत्म। और गाइस हमें पता चलता है कि रॉ के और भी सुपरस्टार्स आज स्मैकडाउन में है, बात की जाए इसके बाद। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस, वो था हमारे अपने ड्रू मैकइंटायर का मैच, यानी कि दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग इसके ठीक बाद बिगन हो गया है। और गाइज इस पर्टिकुलर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की बात करूँ तो गाइज इसकी खास चीज़ क्या थी कि इसके अंदर दोस्तों जो होम टाउन बॉय यानी कि केविन ओवंस है वो थे फेस टीम के साथ, और वहीं दोस्तों उनके खिलाफ थी हमारी अल्फा अकेडमी यानी ऑस्टिन थ्योरी। ड्रू मैकइंटायर का दोस्तों एंड में जादू चला, क्या ही परफॉर्मेंस उन्होंने पुट की। एंड में दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि आउटसाइड जो चैड है उन्हें दोस्तों स्टनर लग जाता है, ओवंस ने उन्हें अनाउंसर टेबल के ऊपर स्टनर लगा दिया, अंदर ऑस्टिन थ्योरी को लग गया है दोस्तों क्लेम ओवर 1, 2 एंड 3, वहां फेस टीम विजय प्राप्त कर गई है। और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। और गाइस जो स्मैकडाउन थी काफी ऑसम थी, लेकिन अब बात की जाए दोस्तों कि ट्राइबल चीफ के ऊपर क्या अपडेट है, लेस्टर के ऊपर क्या अपडेट है, एंड ब्रे वाइट की मिस्ट्री सॉल्व हुई कि नहीं। तो गाइस ब्रे वाइट की मिस्ट्री लगभग सॉल्व हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एक वीडियो सामने आती है जिसके अंदर हमें एक सुअर दिखाई देता है, और वो सुअर दोस्तों एक कार्टून से है, लूनी टून से मे बी, और उसके साथ साथ हमें एक वुल्फ दिखाई देता है। जहां दोस्तों बात करूं इस पूरे सेगमेंट की, तो आपको बताना चाहूंगा ऐसी एक कविता है कि पिग को जो वुल्फ है वो बुला रहा है और ये चीज कह रहा है लेट मी इन। चलो ये चीज तो अलग है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जिस यूजर नेम से ये वीडियो डाली गई है वो है दोस्तों 1911, और आपको बताना चाहूंगा 1911 अभी से कुछ समय पहले ब्रे वाइट की टोपी के ऊपर लिखा हुआ था। अभी से कुछ समय पहले ब्रे वाइट एक सेगमेंट दिए थे जिसके अंदर दोस्तों उनकी टोपी के ऊपर दोस्तों 1911 लिखा हुआ था, आप देख भी सकते हैं। तो यहां साफ हो चुका है दोस्तों कि ब्रे वाइट ही है, प्लस दोस्तों सुअर जो है वो एक कैरेक्टर भी है, आपने फायरफ्लाई देखा होगा, यहां दोस्तों ये ब्रे वाइट ही है। और अभी भी दोस्तों जो टीजर है वो कंटिन्यू है, इस पर दोस्तों हम ज्यादा विचार नहीं करेंगे क्योंकि अब साफ हो चुका है कि एक्सट्रीम रूल्स में कुछ बड़ा होने वाला है। प्लस दोस्तों शो के दौरान हम लोगों ने एक बंदे को देखा जो कि एक साइन लेकर आया, रिवील इन व्हाट यू आर। और गाइस आपको बताना चाहूंगा ये दोस्तों कोट है ब्रे वाइट का 2019 का, और जो ये बंदा एक संदिग्ध है क्योंकि दोस्तों ये बीच में आया और फिर उस साइन को लेकर गायब हो गया जनता में। यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले हमारे साथ खेल रहे हैं, ब्रे वाइट खेल रहे हैं स्पेशली कहूँ तो, और चीजें बहुत गर्म होने वाली एक्सट्रीम रूल्स में। बट अब दोस्तों बात कर ली जाए हमारे अपने ट्राइबल चीफ की, तो आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, लेकिन अगले हफ्ते उनका फेस ऑफ होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। प्लस दोस्तों अगले हफ्ते रिकोशे वर्सेस सोलो भी होगा एंड गंथर वर्सेस शिमस्तो मैं बता चुका हूं। तो ऐसे में दोस्तों रोमन रेस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के प्रीमियर पर आने वाले हैं। लेकिन अब बात की जाए लेसनर की, लेसनर पर क्या अपडेट है। लेसनर दोस्तों बताया जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ 201 प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बुक है इस साल के लिए, जो कि क्राउन जूल का, जिसके बाद 200 यूएस में वो कम्पीट नहीं करेंगे, विच मीन्स कहीं ना कहीं या तो लूज करने वाले हैं क्राउन जूल में, या फिर दोस्तों वो बॉबी लैशली की यूएस चैंपियनशिप लेकर घर चले जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा लैशली वर्सेस लेस्नर माना जा रहा है क्राउन जूल में होगा, और यहाँ डेम मेल्जर की माने तो गाइस ब्रॉक लेस्नर अब यूएस में इस साल नहीं दिखाई देने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। हालांकि दोस्तों वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ बाय।